आइए दिखाते हैं हम आपको। ये है जामुन की वैरायटी में जावा एप्पल। ये पेड़ हमारा इस तरीके से हुआ पड़ा है कि बिकने की तादाद में नहीं है, ये देख सकते हो आप। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे इस पर गुट्टी बांध के तैयार करना है। ये फल ऐसा है, इसके अंदर सीडलेस होगा, बीज नहीं होगा बिल्कुल भी। इस चक्कर में ये कभी भी कलम से तैयार नहीं हो पाएगा। मैं इस पर गुट्टी बांधूंगा और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से गुट्टी बांधनी है। ये देख सकते हैं कटिंग किस तरीके से करनी है आपको। अगर आप कभी करने लगो पेड़ तैयार करना हो तो आपको ये इस तरीके से आपको छीलना है। और ऐसा नहीं है कि जामुन का ही पेड़ हो, कोई सा भी पेड़ हो आपको इस तरीके से ही करना है। इसे बोला जाता है जावा एप्पल। इसका फल जो आएगा वो जामुन से डबल ही आएगा और जिसके अंदर बीज नहीं होगा। ये देखिए मैंने ये देखो छील कर बिल्कुल रेडी कर दिया है। देख सकते हो आप कितना छीला है। ज़्यादा छीलोगे तो उसकी डंडी दिखने लगेगी अंदर से और ये सूख सकता है। तो आपको ज़्यादा छीलना नहीं है, थोड़ा ही छीलना है। बाकी मैंने ये लिया है, आइए देखिए। ये है मिट्टी जो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। इसमें मिला हुआ है सेरिडेक्स पाउडर जो आपको किसी भी फर्टिलाइज़र की दुकान पर मिल सकता है। अभी देखिए मिट्टी गीली है, ऐसा नहीं है कि आपको सूखी मिट्टी लगानी है। इस तरीके से आपको पेड़ पर लगा देनी है जिससे कि इसकी चारों तरफ से डंडी दब जाए, बिल्कुल भी हवा नहीं जा पाए इसके अंदर ज़रा सी भी। अगर हवा जाएगी तो ये सूख जाएगी, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है फिर गुट्टी बांधने का। ये देखिए अब इसके बाद मुझे आपको इस पर पॉली लगानी है। पॉली कम से कम गुट्टी से 1-1 इंची बाहर हो दोनों तरफ से, कि आपको आसानी से बांधने में दिक्कत नहीं हो किसी भी तरह से। अभी आपको दो तरफ से सुतली से बांध देना है ऐसे बड़े करके कि इसमें हवा जाने की कहीं से भी संभावना ना हो। अगर हवा जाएगी गुट्टी सूख जाएगी। देख सकते हैं आप किस तरीके से बांध रहा हूँ कि बिल्कुल भी हवा ना जा पाए। और ऐसा नहीं है, इस पर आपको टाइम टाइम पे इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसकी गुट्टी सूख रही हो हल्की फुल्की तो आपको इसमें पानी रोज़ मारना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बारिश के मौसम में ही, बारिश नहीं पड़ेगी अगर ये सूख जाए तो आपको इस पर जो है ना पानी डालना ही पड़ेगा, नहीं तो तैयार नहीं हो पाएगी। ये हमेशा समझ लेना आप, गीली ही रहनी चाहिए। गीली रहेगी तो एकदम जड़ें निकलेंगी इसके अंदर से। और लगभग कितने टाइम बाद मैं आपको बता सकता हूँ, तो कम से कम 40 से 45 दिन इसमें लग सकते हैं होने में। और जब जड़ें निकलेंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो इसकी बनाकर कि हाँ जी ये तैयार हो चुका है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए अब मैं इसी टहनी पे दूसरी जगह से बांध रहा हूँ। आप देख सकते हो कितनी दूराई पर मैंने बांधी है, क्योंकि हमारा पेड़ ही इस तरीके से बिक नहीं पाएगा ना, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। अब मैं इसे यहाँ से कटिंग कर दूँगा तो ये अच्छा खासा चारों तरफ से फूट का जाएगा। ये देख सकते हो टहनी छोड़ रखी है मैंने, ये इसी एरिया में फैल जाएंगी। अगर मैं इसे काटूँगा नहीं तो ये दाएँ बाएँ गिरता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए अब मैंने दिखा दिया आपको। ये देखो मैंने एक पेड़ पर ही 1, 2, 3 जगह बांध दिया है, क्योंकि अभी पेड़ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कोई फ़ायदा है नहीं इसका। ये मैंने तैयार कर दिए हैं एक पेड़ से 3 पेड़। आपका ये नीचे वाला भी सेफ रहेगा, ये तीनों भी सेफ रहेंगे। बाकी आप इधर देख सकते हो ये मैंने कितनी सारी बांध के तैयार कर रखी हैं। अगर आप कोई सा ही पेड़ कभी भी गुट्टी पर करो तो ऐसे ही करना, आप हर पेड़ पर कर सकते हो गुट्टी, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी पेड़ पर करने में। लेकिन आपको ध्यान हमेशा ये रखना गुट्टी कभी भी सूखनी नहीं चाहिए। अगर सूखेगी तो फिर गुट्टी कभी नहीं हो पाएगी, आपको हमेशा नमी बना के ही इसके अंदर रखना है। मैं बिल्कुल सादे ढंग से ही बताता हूँ, आप आराम से घर पर तैयार कर सकते हो। इसमें मेरा कोई वो नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीका है। ऐसा नहीं है कुछ लगाया हो बगाया हो, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप तैयार कर सकते हो ये पेड़। फिर कोई सा भी हो, ऐसा नहीं है छोटे भी हों बड़े भी हों, कोई सा ये पेड़। अगर आपको लगता है किसी पेड़ की टहनी टेढ़ी हो रही हो, आप उसे काटने की जगह है उसको गुट्टी बांध दो, आपका एक पेड़ और नया तैयार हो जाएगा। देखिए ये इसने जीवा एप्पल का काफ़ी गुट्टियाँ बांधनी सिखाई हैं आपको, और इसी तरह से आप बांध के ये नर्सरी में बिल्कुल इसी तरह से तैयार करते हैं, बिल्कुल साधारण ढंग से करता है। और एक एक गुट्टी होगी, आप भी इसी तरह से एक पेड़ से काफ़ी पेड़ तैयार कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।